ने मुझसे कहना है जो भी कह दें बुला के किसी को, विकास तो सड़क पे और जनता से आप रिपोर्ट लीजिए ना। तमाम आवाम बोलेगी कि क्या विकास हुआ है, कैसे विकास हुआ है, किस तरह काम हुए हैं, वो तो आपको जनता बताएगी और आने वाला ये चुनाव का रिजल्ट बताएगा कि उन्होंने क्या किया, हम लोग क्या करने की अपेक्षा हम जनता हमसे रखती है। तो देखिए, ये थे बाराबंकी के समाजवादी पार्टी के सदर विधायक सुरेश यादव जी, जिन्होंने जो है प्रत्याशी हैं शीला सिंह, उनके साथ आज नगर तहसील जो है यहाँ की नवाबगंज, वहाँ नामांकन किया है। फिलहाल इस बार का जो चुनाव है काफ़ी दिलचस्प देखा जा रहा है और लगातार जो नामांकन प्रक्रिया है वो जारी है। बाराबंकी की नगर पालिका परिषद से समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट ने आज नामांकन पत्र दाखिल किया है। हमारे साथ खुद शीला सिंह मौजूद है बातचीत करने के लिए। मैम, बहुत बहुत बधाई आपको। जी धन्यवाद। समाजवादी पार्टी ने एक जिम्मेदारी दी है जी, किस तरह का इस बार बदलाव नगर शहर में होगा? अब बदलाव होगा जब बैठेंगे कुर्सी पर, बदलाव करेंगे आप देखेंगे। महिलाओं के लिए बता रहे थे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए विशेष करेंगे। कार्यकर्ताओं के लिए अगर कोई योजना होगी तो मैं उनके साथ खड़ी हूँ, महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ मैं। शहर में जब महिलाएं निकलती हैं, शौचालय की बड़ी समस्या है, चाहे सट्टी बाजार हो चाहे शहर में शौचालय नहीं है। एक शौचालय पिंक शौचालय, उसमें ताला लगा रहता है, तो क्या वो ताला खुलेगा? जी खुलेगा, बिल्कुल खुलेगा। महिलाओं के लिए अलग से बनेगा, पुरुष के लिए अलग से बनेगा, क्योंकि बाजार जाती महिलाएं बच्चे छोटे लेकर बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैं सब काम करूंगी। तालाब वगैरह जो बहुत नालियां हैं, तालाब हैं, सब भरे हुए हैं, सब मच्छर, इतने मच्छरों के लिए व्यवस्था करूंगी, दवाई छिड़काऊंगी सब। और आप ज़्यादा जानते हैं कि क्या क्या कमी, समस्या यहाँ पर जो मार्केट थी, यहाँ मार्केट लगती थी जनेश्वर डिग्री कॉलेज के सामने, गरीबों के जो चबूतरे थे वो बेच दिए गए, आप वो संज्ञान में होंगे किस तरह से उस पे? अब वो समय आएगा तो देखते हैं जी, जब समय आएगा तब देखेंगे। तो देखिए, समय आएगा तब जो है उस पे कार्रवाई होगी। हमारे साथ विधायक जी भी है, सदर से विधायक जी भी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आज सबसे पहली बार आपने नामांकन किया है, अभी बीजेपी ने जो है अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है, तो क्या कुछ मुहूर्त निकाला था आज के लिए? देखिए, मुहूर्त क्या है, अच्छा काम कभी भी किसी भी दिन किया जा सकता है। और रही बात बीजेपी की, वो उनकी पार्टी का मामला है, वो जब चाहें तब दाखिल करावें ना करावें, हम तो चाहते हैं ना मर्जी हो ना दाखिल करावें। और मेरा कैंडिडेट इतना भारी है कि बीजेपी वाले को 10 बार सोचना पड़ेगा कि किसको लड़ाएं शीला सिंह जी से। इस बार का जो है अब चुनाव देख रहे हैं, कुछ अलग माहौल दिख रहा है, तो क्या लगता है कि इस बार जो है किस पे फोकस रहेगा, कौन से बड़े मुद्दे हैं? देखिए, बड़े मुद्दे क्या, नगरपालिका में भी आप भी यहीं शहर के वासी, सभी हमारे साथी जितने पत्रकार साथी, शहर के हालात आपने देखे हैं। नगरपालिका के 10 साल भाजपा का चेयरमैन रहा है, उन्होंने क्या किया कहाँ किया, अब ये यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है कि हम आपसे एक एक विस्तार से बताएं। इन काम वास्तव में तमाम मलिन बस्तियाँ हैं, तमाम ऐसी ज़रूरत की चीज़ें हैं जिन पर फोकस नहीं किया गया, ध्यान नहीं दिया गया। और आप यकीन कीजिए कि इसी का परिणाम भुगतेगी भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट जो भी आएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।